नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 20 दिन से जारी है। किसानों और सरकार के बीच फिलहाल कोई बातचीत भी होती नजर नहीं आ रही है। किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इनमें बस संशोधन करना चाहती है, लेकिन मामला बनता नहीं दिख रहा है। वहीं आंदोलन और भी विस्तृत होता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे निपटने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है, जबकि किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो सरकार से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तोमर साहब से मिले हैं किसान नेता, जो उनको समर्थन कर रहे हैं सरकार का। उस पर आपका क्या कहना सर? हमें तो पता नहीं कौन मिले, यहाँ से तो नहीं कोई गया। लेकिन बता रहे हैं संगठन के ही कुछ 10 लोग हैं वो जो मिले और उन तो खत्म करवा दो फिर आंदोलन कर। संगठन के मिले कहाँ? उनका टेंट लग रहे, वो टेंट बताओ हमें कहाँ, कौन से रोड पर बैठे। सरकार आप मिलना चाहेंगे तोमर साहब से और मिलेंगे तो? हाँ वे बतावेंगे तो मिल लेंगे, हमें क्या मिलने में कोई दिक्कत है। तोमर साहब भी यहाँ से ही है, किसान है वे भी वहाँ के। उनकी फसल किस रेट पे बिकी है उनसे जरा पूछ कर उनका डाटा निकलवा दो। वे खेती करते हैं, ठीक है, उन्हें कम रेट पे बेची है ज्यादा पे उनकी बिकी है? मैं तोमर साहब की जो कृषि मंत्री है, हाँ, उनकी किस रेट पे फसल बिकी, उनको नफा हुआ नुकसान हुआ, उनके परिवार वालों से जरा जरूर पूछ लो, उनका डाटा निकाल लो, कितनी फसल थी, कितने की बेची, MSP पे बिकी या नहीं बिकी, और उनके परिवार के लोग क्या चाहते हैं। सरकार की तरफ से बीजेपी तरफ से किसान पंचायत का प्रोग्राम रखा गया, 700 किसान। हाँ पंचायत करनी चाहिए ना, गांव में जाना चाहिए। हाँ गांव में जाना चाहिए, गांव में घूम कावेंगे ठीक रहेगा, सेहत के लिए भी बढ़िया रहे, गांव में शुद्ध हवा मिलेगी, दिल्ली में तो पोल्यूशन बहुत है। सर पश्चिमी यूपी के किसान का वो होने वाला जैसे बनाया क्या? ये तो चल रही पंचायतें चल रही, वो यहाँ पे निगाह रख रहे कि क्या करना है। अभी ये तीनों जो कानून है ये किसानों के भले के नाम पर पूंजीपतियों को पोषित करने वाले हैं, पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार देने वाले हैं। जिसको भी एकाधिकार प्राप्त होता है वो उत्पादक को कम से कम दाम देना चाहता है, उपभोक्ता से ज़्यादा दाम वसूल करना चाहता है। तो इसमें तो पैदा करने वाला और खाने वाला दोनों ही लुटते हैं, दोनों ही पिटते हैं, चांदी कटती है केवल बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बिचौलियों की। इधर किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर और टिकारी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF को तैनात किया गया है। RAF के बारे में बताया जाता है कि ये फोर्स बिना समय गवाए बेहद कम समय में दंगा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम है। इसका मुख्य काम जनता के बीच ये विश्वास पैदा करना है कि वो सुरक्षित हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, उपद्रवी पर कार्रवाई करने के लिए वो तैनात हैं। RAF की तैनाती से उपद्रवी कांप उठते हैं। इस बल के पास वो सारे अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल उपद्रवी के खिलाफ किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।